यूपी में अब खाड़ी के देशों की फंडिंग से चलने वाले अवैध मदरसे बंद होने वाले हैं। एसआईटी ने यूपी सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इन मदरसों के बारे में कई गंभीर खुलासे हुए हैं और इन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है। आइए पहले बताते हैं एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश में करीब 13,000 मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं और इन्हें बंद करा देना चाहिए। एसआईटी के मुताबिक ऐसे ज्यादातर अवैध मदरसे भारत नेपाल सीमा पर हैं और गंभीर बात यह है कि इन मदरसों को फंडिंग खाड़ी के देशों से हो रही है। एसआईटी ने जब इन मदरसों की जांच की तो वो अपनी आमदनी और खर्चों का सही ब्यौरा नहीं दे पाए। एसआईटी जांच में ये भी पाया गया है कि इन ज्यादातर अवैध मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। एसआईटी ने जो एक और जरूरी खुलासा किया है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर मदरसों के पास मान्यता ही नहीं है और केवल 5,000 मदरसे ही ऐसे हैं जिनके पास मान्यता तो है लेकिन वो मान्यता अस्थाई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब मदरसा बोर्ड ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। कि आपको पता है कि हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी अनियमितता या गैर कानूनी गतिविधियाँ प्रदेश में चल रही हैं उनकी जाँच हो रही है। एसआईटी जाँच कर रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित मामला अदालत में जाएगा। अदालत में पैरवी करके हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और हर स्थिति में हम सजा दिलाने का। 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई है और कहा है कि केवल उन मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गैर कानूनी हरकतों में शामिल हैं और एक तरफ से सभी मदरसों को अवैध बताना सही नहीं है। हमारा कहना यह है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालमियत और एकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलव्वस पाया जाए या जो व्यक्तियां, जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलव्वस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए। कुछ और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि केवल मदरसों पर ही नहीं बल्कि विदेशों से धन लेने वाली हर संस्था पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो आवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को, किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की तावन को लेने का हक इख्तियार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने इसे शिक्षण संस्थानों को बंद करने की कोशिश बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार तो संस्कृत विद्यालयों को भी बंद करा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए, मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएँ नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। दरअसल नेपाल से सटे इलाकों में 80 मदरसों को खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ की फंडिंग की जानकारी मिली थी।